मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दास नाम के व्यक्ति को जो लॉकडाउन के दौरान न्यू फ्लैट में रहने आया होता है। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर कर रहा होता है वैसे ही यमुना की कॉल आ जाती है। यमुना पूछती है पुलिस वालों ने रोका तो नहीं। दास कहता है जहाँ पुलिस थी मैं वहाँ गया ही नहीं और मैं ठीक ठाक पहुँच गया हूँ। कुछ देर आराम करने के बाद उसे जोरों की भूख लगती है और वो खाना बाहर से मंगा लेता है। जब दास अपना ऑर्डर लेने दरवाजे के बाहर जाता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। बर्गर खाते वक्त उसे बेल की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे के बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर वो वापस आके देखता है उसका पानी का गिलास खाली होता है और उसका बर्गर डस्टबिन में फेंका होता है। उसी टाइम माँ बेटी की बात करने की आवाज दास को सुनाई देती है और दास उस आवाज का पीछा करते हुए देखने जाता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर दास यमुना को सारी बात बताता है। माँ बेटी की बात करने की आवाज मुझे सुनाई देती है, वहाँ जाने पर कोई नहीं होता। यमुना कहती है तुमने ज्यादा पी ली है। फिर वो बेड के नीचे देखता है, उसे एक छोटी बच्ची की ड्रॉइंग बुक मिलती है। ड्रॉइंग बुक देखते समय दास न्यूज सुन रहा होता है। उसमें बताते हैं जिन लोगों को बुखार है उन्हें ICMR का टेस्ट कराना होगा। ये सुन के दास अपना टेम्परेचर चेक करता है। तभी डॉक्टर सुसैन की कॉल आती है। दास उसे सारी बात बताता है। सुसैन कहती है ये तुम्हारा भ्रम है और कुछ नहीं, और वो इसे योगा करने की सलाह देती है। अगले दिन हम देखते हैं दास योगा कर रहा होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं दास को जो बालकनी में खड़े होकर नीचे देख रहा होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं दास को जो बालकनी में खड़े होकर नीचे देख रहा होता है। उसी टाइम वो अपने को गिरते हुए संभाल लेता है। काफी परेशान होने के बाद दास अपने पड़ोसी के दरवाजे की बेल बजाता है। उसी वक्त सिक्योरिटी ऑफिसर का कॉल आता है। वो कहता है बाहर क्यों हो सर। तभी दास 13B के फ्लैट के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है इसमें पति पत्नी रहते थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें कोविड था। ये बात सुन के दास काफी डर जाता है। उसके बाद रूम के अंदर आके देखता है शीशे पर दिस इज अवर होम लिखा होता है। ये देख के वो शॉक हो जाता है। फिर से उसे माँ बेटी की आवाज सुनाई देने लगती है और वो चारों तरफ देखता है, उसे कोई नहीं दिखता और वो डरने लगता है। ये सब आवाज सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा पी लेता है। उसके बाद वो हो जाता है। सुबह उठते ही उसे फिर से माँ बेटी की आवाज सुनाई देती है। आगे जाके देखता है तो शीशे पर दिस इज आवर होम लिखा होता है, जबकि उसने कल रात ही इसे मिटाया होता है। वो ये देख के शॉक हो जाता है। जो भी लिखा होता है शीशे पर उसकी फोटो खींच के यमुना को भेज देता है, जबकि यमुना कहती है फोटो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ये तुम्हारा बस भ्रम है और कुछ नहीं। तभी दास को रिसेप्शन ऑफिस में एक फाइल मिलती है। उस फाइल के अंदर माँ बेटी के आधार कार्ड होते हैं। इसके बाद विनोद को कॉल लगा के श्रीदेवी और अन्नू की जानकारी निकालने को कहता है। फिर दास सिक्योरिटी ऑफिसर के अकाउंट में पैसे डाल के माँ बेटी के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है माँ बेटी जिस फ्लैट में रहा करते थे उसमें थॉमस नाम का व्यक्ति उनके वहाँ आया जाया करता था। अपने जन्मदिन पर यमुना से बात कर रहा होता है, अचानक माँ बेटी की आवाज़ सुनाई देती है। उसी दिन अन्नू का भी जन्मदिन होता है। ये सुन के दास काफी चौंक जाता है। इसके बाद दास थॉमस को कॉल लगा के पूछता है तुमने श्रीदेवी और अन्नू के साथ क्या किया, जिस पर वो बताता है मैं वहाँ गया था पर वहाँ पहले से ही एक आदमी था। फिर मूवी में पता लगता है हमें ये सबका मास्टरमाइंड कालिदास होता है। ये सब प्लान दास ने किया होता है, ये सब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बता रहे होते हैं। ये न्यूज सुन के सुसैन को काफी झटका लगता है। वो कहती है दास तो मेरा पेशेंट था, उसको सिज़ोफ्रेनिया नाम की मेंटल बीमारी थी, जिसमें असल में जो होता नहीं है वो इन लोगों को दिखता है। असल में जो होता नहीं है वो उन्हें दिखता है और वो उन्हीं को सच मान लेते हैं और उन्हीं की वो कहानी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे ये मूवी एंड होती है। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।